बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर वेल विशर, अस्सलाम वालेकुम। सैफ़ रहमान आपके सामने, आजकल कुछ ज़्यादा ही सामने, क्योंकि मैं अपने वेल विशर से मोहब्बत का भरम नुमाने के लिए मुझे आना है। मुझे पता है कि मेरे इस्लामियात वाले, बायो वाले, एजुकेशन वाले, उर्दू वाले कुछ परेशान हैं। मैंने कहा चलें उनके साथ हम कुछ शेयर कर लें और उन्हें बता दें कि हकायक ऐसे ही हैं। तो डियर वेल विशर्स, ये जो ड्रोन बम गिरा है सलामियात पे, इसका मुझे भी अफसोस है। और मेरी कोई एक घंटा पहले PPSC के अकाबरीन से भी बात होती रही है इस हवाले से कि ये डिले हो जाएं, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो हकायक है, मेरा ख्याल कुछ मुख्तलिफ हैं। आपको चाहिए कि आप तैयारी करें। सबसे बड़ी तो ये खबर है कि अच्छी खबर जो है, मेरे वो जो दोस्त लेक्चरर ओवर एज हो चुके थे मेरे वेल विशर, उनके लिए खबर है कि अगस्त में इंशाल्लाह लेक्चरर की नई जॉब आ रही है और उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगी, क्योंकि इसी साल जो है वो मामलात हो जाएंगे। दूसरी इस्लामियात और बायो के जो दोस्त हैं, उन्हें मैंने कहना है कि ये आपके पेपर हो जाने हैं। और बायो उर्दू जो है वो बायो उर्दू और आपका एक जो पेपर है एजुकेशन, ये 18-19 को हो जाने, बल्कि वो तमाम लेक्चरर के जितने भी रह गए हैं सुमाए फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, वो 18-19 को मुकम्मल हो जाने हैं। तो अब आप तैयारी करें। आपसे पहले भी मैं कहता रहा कि आप वो पूछते ही रह गए कि ये कब होना है, ये कब होना है, और फिर PPSC ने आप पे ड्रोन हमला कर ही दिया। और अब आपकी आवाज़ें हैं और मैं सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह करेगा कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। इन 15 दिन को भी यूटिलाइज़ करें, बहुत हैं ये 15 दिन, अगर आप ऑनेस्टली डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ तैयारी करते हैं। मेरे इंग्लिश वाले वेल विशर्स को भी चाहिए कि वो भी कमिटमेंट के साथ तैयारी करें, डिटर्मिनेशन के साथ करें। खसूसन फीमेल को 249 सीट ज़िंदगी में बहुत कम आती हैं, और इसी तरह मेल के लिए भी काफ़ी मैदान है भागने के लिए। तो आप कोशिश करें, आपने तो काफ़ी वक्त जो है एंजॉय किया। इंग्लिश की एक मैं अलग से भी इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए। तो मज़ीद जो बहुत बड़ी अच्छी खबर है, एक तो मैंने लेक्चरर की बता दी, दूसरा ये है कि PMS की डेट आ गई है, 23 को इम्तिहान हो रहा है, 23/6 को शुरू हो रहे हैं। तो लिहाजा अब हमारे लेक्चरर के इम्तिहान लेट होने वाले नहीं हैं, ये 23 से पहले पहले सारे मुकम्मल होने हैं। इसके अलावा मेरे जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें भी बता दूं कि आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, 19/6 को मैंने सुना है कि उनका पेपर भी हो रहा है। और मज़ीद मिनिस्ट्रियल कोटे की सीटें भी अगस्त जुलाई में आ रही हैं। मेरे वेलविशर ने पूछा था कि शराइत क्या है, शराइत इसमें कि आपका MA होना या आपका लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, इस उम्र की हद 55 साल से भी ज़्यादा है गालबन, और MA आप यकीनन और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना कम अज़ कम ज़रूरी है। और जो अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी मैं फ़ाइट कर रहा था कि ये 1.5 साल हो गया है, और इसी तरह जूनियर क्लर्क पुलिस के लिए भी फ़ाइट कर रहा था, 134 सीट डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 80 सीट। तो ये मैंने खबर सुनी है कि ये भी जुलाई से पहले वाइंड अप हो जाना है, क्योंकि SNGD डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी हुक्म आया है कि आप अपना काम जुलाई में मुकम्मल करें और अगली रिक्वायरमेंट जुलाई के बाद कबूल करें और काम को स्मूथ लाइन करें। तो इतनी सारी अच्छी खबरें आपके पास पहुंची हैं, आप उनको यकीनन एंजॉय करेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। माय डियर वेल विशर, आपसे यही कहना है कि आप अपने मकसद का तयन करके वक्त से पहले तैयारी शुरू कर दिया करें, आप प्रैक्टिकल बने। मैं फिर कहूँगा कि 90% मेरे वेल विशर सिर्फ शौकिया फनकार हैं, दाखिला भेज देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, शायद किसी को दिखाने के लिए भी दाखिला भेजते हों। 5% कमिटमेंट के साथ, 5% कुछ मेहनत करने वाले हैं। तो आप सब, आप लोग मेहनत की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये सारी जो सीट्स हैं आ रही हैं, इंशाल्लाह जो मैंने आपके सामने
रखी हैं। तो इसके अलावा जो भी इम्तिहान रह गया वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा। आखिर में ये कहना है कि आप अपनी गुफ्तगू में बुग़्ज़ को, अदावत को, तोहम परस्ती को, तोहमात को निकाल दें, गिले शिकवे ना किया करें, जहाँ कहीं बैठें अच्छी बातें करें। अगर आप लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपनी गुफ्तगू में ये निकाल देते हैं बुग़्ज़, और जो कि हसद का बाइस बनता है, तो फिर और इसी तरह तोहमत लगाना, इसी तरह बैक बैटिंग करना, तो फिर पीछे खामोशी बच जाती है। तो फिर खामोशी ही बेहतर है कि बुरे बोलने से बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। तो ये इस्लामियात, ये बायो उर्दू एजुकेशन, प्लीज़ गेट रेडी। सोना 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 वगैरह बंद करें, दिन रात जागे और मेहनत करें। आपने कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से तैयार करना है, आपको पता है। इंशाल्लाह आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।